ओके सर रेडी। तो आज हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग और फलकनुमा पुलिस दोनों जॉइंट ऑपरेशन में एक फॉरेन नेशनल ड्रग पेडलर का गिरफ्तारी किया है। तो इसमें मोहम्मद याकूब मोहम्मद अली ये ड्रग पेडलर है, ये 31 इयर्स का है और ये ड्रग पेडलिंग करता है। इसके पास 12 ग्राम्स ऑफ MDMA और एक सेलफोन, ये दो चीज़ का बरामद हुआ। टोटल इसका वैल्यू है 1.2 लाख। एक ग्राम का MDMA 10,000 है और 12 ग्राम्स 1.2 लाख वैल्यू है इसका। तो ये अक्यूज्ड पहले फलकनुमा में एक क्राइम रजिस्टर हुआ NDPS सेक्शन में, 300 क्राइम नंबर 300/22। इसमें मोहम्मद ओबेद बोल के एक ड्रग पेडलर का गिरफ्तारी हुआ। तो उसमें उसकी कन्फेशन में याकूब मोहम्मद अली का नाम आया। तो ये उसका सप्लायर, पहले जो मोहम्मद ओबेद को अरेस्ट गिरफ्तार किया उसमें उसका सप्लायर है ये याकूब मोहम्मद अली। तो वो कन्फेशन पे हम इसको गिरफ्तार करें। तो हमको इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में मालूम हुआ कि इसके पहले दो केसेस में इन्वॉल्व है। एक NDPS केस कुशाईगुड़ा में, जो घर में ये गांजे का प्लांट्स ये ग्रो कर रहा था। तो और राजेंद्र नगर में भी एक केस है, ये सूडान नेशनल का है और ये HNU जब से इस्टेब्लिश हुआ तो ये थोड़ा घबरा गया और बैंगलोर शिफ्ट हो गया, मगर बैंगलोर से ये ऑपरेट कर रहा था। बैंगलोर से रेगुलरली यहाँ हैदराबाद आके यहाँ पर जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको ये ड्रग सप्लाई कर रहा था। तो इसको हम इंफॉर्मेशन पे इसको गिरफ्तार करें। और इस ये दोनों अक्यूज्ड मोहम्मद ओबेद और मोहम्मद याकूब, ये दोनों का 7 ड्रग कंज्यूमर्स हम आइडेंटिफाई करें और इन लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। तो ये पूरा फलकनुमा PS को हैंड ओवर किया है। ये पूरा ऑपरेशन में रमेश रेड्डी इंस्पेक्टर HNU, वेंकटरामुलु SI, देवेंदर इंस्पेक्टर फलकनुमा, ये दोनों का 7 ड्रग कंज्यूमर्स हम आइडेंटिफाई करें और इन लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। तो ये पूरा फलकनुमा PS को हैंड ओवर किया है। ये पूरा ऑपरेशन में रमेश रेड्डी इंस्पेक्टर HNU, वेंकटरामुलु SI, देवेंदर इंस्पेक्टर फलकनुमा, ACP फलकनुमा, ये सब लोग जॉइंट ऑपरेशन में शामिल हुए। इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। सर प्रीवियसली अरेस्ट किए थे या फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ है? ऑलरेडी 2 केसेस में इन्वॉल्व है, कुशाईगुड़ा और राजेंद्र नगर में। ओबेद यहाँ का रहने वाला है? ये ओबेद चंद्रनगुट्टा के फलकनुमा फलकनुमा